उनके लिए वो यूज कर रहे हैं हाइट ऑफ द स्लाइड 1.5 मीटर, और जिनकी एज जो है 5 इयर्स से अबव है उनके लिए जो है शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर. ये 3 मीटर की हाइट पे वो स्लाइड ले रहा है. नाउ इंक्लिनेशन ऑफ जो एंगल है 1.5 मीटर हाइट वाले के लिए ये हमें गिवन है 30 डिग्री, एंड जो सेकेंड वाला है उसके लिए जो इंक्लिनेशन है दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री. नाउ ही इज आस्किंग कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. हर केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है, लेंथ ऑफ स्लाइड मीन्स दिस थिंग, ये कितनी होनी चाहिए. लेट दिस बी एक्स एंड दिस बी वाई. इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी, इसको मैंने नेम दे दिया डी ई एफ. स्टेटमेंट दोबारा से सुनो एक बार. एक कॉन्ट्रैक्टर है, पार्क में उसने स्लाइड्स जो है वो लगानी है. उन स्लाइड्स के लिए जो उसने हाइट ली, यहाँ पे हाइट उसने ली 1.5 मीटर. सेकेंड ये 1.5 मीटर ली जो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज जो है लेस देन 5 इयर्स है. ये उन्होंने ली 3 मीटर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो एज है वो 5 से अबव है. 5 से लेस एज वालों के लिए ये उसने हाइट ली 1.5 मीटर. एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये हाइट हो गई 3.5 मीटर. ये एंगल जो है बना दैट इज 30 डिग्री. ये एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें गिवन है. अब हमें क्या निकालना है, वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड. ये स्लाइड की लेंथ हमें निकालनी है. इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया. आपने अगेन लिखना है ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द स्मॉलर स्लाइड, डी ई इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द बिगर स्लाइड. ये आप लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग. ए बी इज द हाइट ऑफ द स्मॉलर स्लाइड, डी ई इज द हाइट ऑफ द बिगर स्लाइड. देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द स्मॉलर स्लाइड 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर द बिगर स्लाइड इज 60 डिग्री. Let AC, जो length of the smaller slide है, that is x, and length of the bigger slide DF is equal to y. Meters में हमें given है, तो इनको आपने meters में ही लेके चलना है. अब हमने क्या करना है, ये सारा लिखने के बाद हमें जो है ये ट्राइंगल ए बी सी पे पहले कंसेंट्रेट करना है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या करना है, अब आपको यहाँ पे हमने क्या लेके चलना है. हमें गिवन है थीटा के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर गिवन है, और थीटा के एडजेसेंट लॉन्गेस्ट साइड यानी कि एच जो है वो मुझे निकालना है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन 30 लगा लेंगे. हाँ जी, परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो है. कौन हाइपो, बेस होता देन इट वुड हैव बीन टैन. सो दिस इज 1/2. अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी. Perpendicular upon hypo है तो you will take sine 1.5 into x that is 3. तो x आ गया आपका 3 मीटर. यानी कि जो स्लाइड स्मॉल चिल्ड्रन के लिए है बिलो 5 इयर्स की एज वालों के लिए दिस लेंथ विल बी 3 मीटर. अब सेकेंड केस इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में अगेन थीटा के अपोजिट यू आर हैविंग परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपो. तो परपेंडिकुलर और हाइपो आपने ले लिया. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज साइन थीटा. तो साइन 60 इज इक्वल टू पी अपॉन वाई हो जाएगा आपका. पी जो है वो आपको 3 गिवन है. सो साइन 60 इज रूट 3/2. दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन वाई. तो दिस मीन्स वाई जो है आपका दैट इज 6 अपॉन रूट 3. रूट 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू 2√3. So this is your answer. So I hope this one is clear to you. This is meters. So last में आपने x और y, क्योंकि आपने खुद से assume किए थे, तो यहाँ पे आप लिखोगे length of the smaller slide. Is 3 meter and length of the bigger slide is 2√3. Calculations एक बार check कर लेना. And length of the bigger slide is 2√3 meters.
So this was your question number 3. If any doubt is there, then you can ask. Chahar, just turn on your video and show me where you have written this question. Chahar, turn on your video, bache. Focus your this camera on your notebook and show me your notebook. Manyata, Krishan, and Mansha, turn on your videos. Otherwise, I will remove you again from the meeting. Chahat, turn on your video and show me your notebook. Gursimar, turn on your video. Jasleen, show me your notebook, bache. Okay, fine, good. Harshit, I think his name is Harshit. Show me your notebook, beta. Okay, fine. Shivansh, notebook dikhaiye bache apni. Fine, fine, fine. Chahat, turn on your video, otherwise I'm going to remove you. I have told you ki aap apni notebook pe camera focus karke mujhe notebook dikha do. You are not showing. Okay, fine. Mansha, show me your notebook. Focus your camera on your notebook and show me your notebook, Mansha. आयुष, आपने अभी लेट ज्वाइन करवाया है मैंने आपको, तो यू विल नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चेक करूंगी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4. इफ इन क्वेश्चन नंबर 3, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. मैम, y की वैल्यू कैसे दे रही थी वो? पार्डन, यस मैम. क्या बच्चे, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप. वाई की वैल्यू मैम, y की वैल्यू कैसे आई वो बता दो. ओके, यहाँ से बच्चे हमने साइन 60 को वी हैव रिप्लेस विद इट्स वैल्यू रूट 3/2. दिस 3/y हमारा एज इट इज आ गया. यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ. ये था मेरे पास रूट 3/2 इक्वल टू 3/y. y की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं इसको इधर ले गई. ये 3 ऑलरेडी मेरा इधर था, ये रूट 3/2 मैं इधर ले आई. तो यहाँ पे ये बन गया 2/√3. यहाँ पे आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 से चेंज करके इसको किया है, आप वैसे कर लो. अदरवाइज √3 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो यू विल बी हैविंग √3 × 2 विच कैन बी रिटन एज 2√3. तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई 2√3. हाँ जी मैम, आपने म्यूट रिमूव कर दिया, उसकी वीडियो ऑन थी. हाँ जी, आपने मेहुल को रिमूव कर दिया ना, उसकी वीडियो ऑन थी. किसकी बच्चे? मेहुल बजाज. मेहुल बजाज, टेल हिम टू जॉइन अगेन. हमारा वो एक मिनट, उसने जो है वो कर दी होगी ना, ऑफ कर दी होगी, दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव्ड. Now moving on to question number 4. Question number 4 may we are having the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये टॉवर है, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट हो गया. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टॉवर, दिस इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर. ये आपका टॉवर हो गया, ये टॉवर का टॉप हो गया, ये टॉवर का बॉटम हो गया.
ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। बॉटम की जगह फुट लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे। तो ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये 30 मीटर हमें गिवन है। देन टॉप ऑफ द टॉवर से जो इस पॉइंट का एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। व्हाट वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर जो है वो हमें निकालना है। सेम वे में मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी। अब यहाँ पे आप लिखोगे लेट हाइट ऑफ द टॉवर इज एच। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से। देन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 30 डिग्री हमें गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टॉवर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड बी सी दैट इज गिवन टू बी 30 मीटर। अब थीटा के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये हाइट हो गया जिसको मैंने एच से डिनोट किया है यहाँ पे स्मॉल एच से। देन हमें ये गिवन है थीटा के एडजेसेंट जो स्मॉलर साइड है दैट इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्योंकि आपके इंक्लूडेड हैं दोनों में तो हम क्या लेके चलेंगे परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टैन। तो इन ट्राइंगल एबीसी टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री तो दिस इज टैन 30। परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है बेस हमें गिवन है दिस इज टैन 30 यानी कि 1/√3। दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 30। 30 को हम इधर ले जाएंगे सो दिस विल बिकम 30√3 इज इक्वल टू एच। जब आप 30 को रूट थ्री से डिवाइड करोगे आप इसको कैसे लिख लोगे 10√3। जब आप एक नंबर को उसके रूट से डिवाइड करते हो तो यू गेट द आंसर एज रूट ऑफ दैट नंबर। ए को जब आप रूट ए से डिवाइड करोगे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था तो यू गेट योर आंसर एज रूट ऑफ दैट नंबर। तो जब आप 3 को रूट 3 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आपका पहले एज इट इज लिख लोगे 3 को रूट 3 से डिवाइड करके यू विल गेट रूट 3। सो दिस इज 10√3 मीटर। सो लास्ट में आप लिख दोगे हाइट ऑफ द टॉवर इज हम सीधा मल्टीप्लाई रेशनल से तो कर सकते हैं उसको। हां जी सीधा मल्टीप्लाई करके उसको रेशनल से तो कर सकते हैं लास्ट स्टेप में। दिस वन शुड आई एक्सप्लेन अगेन योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया ना कि a by root a equals root a होता है वो हमने करने के लोड़ी हम उसको लास्ट में रेशनलाइज कर दे सिंपल। नहीं आप जैसे मर्जी कर लो बेटे जैसे आपको कैलकुलेशंस इजी लगते हैं यू कैन डू इन दैट वे। बट डिनोमिनेटर में आपने रूट थ्री नहीं छोड़ना आप रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। ओके अमृत इज इट क्लियर बेटा। ओके फाइन यस मैम। आप इसको 30√3 इंटू √3/√3 भी कर सकते हो बट नाउ सिंस यू आर इन 10th स्टैंडर्ड तो आई वॉन्ट यू पीपल की आप थोड़े से शॉर्टकट भी सीखो। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। ओके नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। Okay, now moving on to question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. जब काइट आपको गिवन है कि 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है ग्राउंड से तो हमें इट मीन्स जो परपेंडिकुलर लेके चलना है वो 60 लेके चलना है। काइट से जो है ग्राउंड हम शो कर देंगे कि दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। लेट दिस बी द पोजिशन ऑफ द काइट। So it is flying at a height of 60 meters. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. इसके साथ जो string है tie किया हुआ उसको temporarily ground पे एक point से attach कर देते हैं and साथ में क्या condition given है the inclination of the string with the ground is 60 degree. तो ground के साथ इसका जो angle बनेगा that is given to be 60 degree.
अब यहाँ पे ये हमारी राइट ट्राइंगल तभी बनेगी अगर इस थ्रेड में कहीं पे भी किसी तरीके का कोई स्लैक नहीं होगा, ये टाइटली टाई किया होगा तभी आपका राइट ट्राइंगल बनेगा। तो वो उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है दैट द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में किसी भी तरीके से धागे में कहीं पे भी लूज नहीं है, इसको टाइटली जो है स्ट्रेच करके बांधा गया है यहाँ पे ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन जो है उसकी तरह एक्ट करे। तो अब मुझे गिवन है थीटा, मुझे गिवन है परपेंडिकुलर, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये मुझे निकालना है। तो गिव द नेम टू द ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपका जो काइट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो आप लिख दोगे ए इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द काइट, सी इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट टू विच द थ्रेड स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज टाइड, ये आप लिख लेना साथ में। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये ऐसे ही मेंशन करना है आपने। ए बी जो है यानी कि हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड आपको गिवन है 60 मीटर, सो हाइट ऑफ द काइट, इससे पहले वो दो लाइंस और लिख लेना, हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड दैट इज 60 मीटर, थीटा मुझे गिवन है 60 डिग्री, एंड आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ए सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या क्या है मेरे पास, थीटा के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपो आई हैव टू कैलकुलेट। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो कैलकुलेट करना है, थीटा गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपो मींस साइन, सो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन 60 इज रूट 3/2, सिंप्लीफाई करो और जल्दी से आंसर बताओ। आप चाहो तो रैशनलाइज करके कर लो, चाहो तो आप 60 के फैक्टर्स बना के कर लो। जल्दी से आंसर बताइए, रूट 3 है डिनोमिनेटर में, रूट की फॉर्म में आपने आंसर नहीं छोड़ना है। जसनैन कैलकुलेशंस करो बच्चे, इधर उधर ना देखो, डू योर कैलकुलेशन, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करवाई है। निशान की वीडियो फिर ऑफ है। हाँ जी, 40 root 3, yes 40 root 3, ये अगर नहीं समझ आ रहा ना ऐसे कर लो, ये बन गया 120/√3 into √3/√3, so this is 120√3/3 that is 40√3, okay, so answer आ गया आपका 40√3। last में लिखोगे length of string is equal to 40√3 meters। मान्यता आज मैंने आपको एडमिट कर दिया था बट स्टिल योर वीडियो इज ऑफ, यू आर टू टर्न इट ऑन एंड शो मी योर नोटबुक। मान्यता शो मी योर नोटबुक, मेरा टारगेट था आज मैंने 8 तक क्वेश्चंस करवाने थे बट आपकी वीडियोस ऑन करवाने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। Still your video is off. Rishan, is it done, beta? Siri hila diya karo, mujhe dikh rahe ho. Rishan, is it done? Okay. Now moving on to question number 6. Still we are having 2 minutes. So main aapko iska hint de deti hu. You can do it yourself. Nahi, ye 6 aapse nahi hoga. Okay, fine. Then 6th question we will do tomorrow.
If any doubt is there in these questions, you can ask. Otherwise, I'm giving you the hints for the trigonometry questions because still we are having 2 minutes. 69th question tha bache aapka. That was if secant theta plus tan theta is equal to m, then secant to the power